नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो हम लोग मैप्स में एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, पृथ्वी का सामान्य एक परिचय। इसमें बात करते हैं विश्व का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग जितने भी मैप से संबंधित लेक्चर देखते जा रहे हैं, वो मैप्स या मानचित्र के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम मैप देख लें पूरा विश्व का, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके प्रमुख तथ्यों के बारे में। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक। ये है पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ है? ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ नीचे श्रीलंका है, लक्षद्वीप सागर, ठीक है। लक्षद्वीप सागर ये अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक। और फिर ये बांग्लादेश है, ये यहाँ म्यांमार है, यहाँ भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और यहाँ चीन है, ठीक है। ये चीन है पूरा, ठीक। और यहाँ पीओके से अफगानिस्तान की सीमा लगती है थोड़ी, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, यहाँ लगती है, ठीक, पीओके से। तो ये हमारा भारत, ठीक है। भारत के बाद थाईलैंड, ये वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ ये फिलीपींस है, दक्षिण चीन सागर में, यहाँ विवाद चलता है चीन सागर का, ठीक। ये थाईलैंड की खाड़ी है। और नीचे आए तो यहाँ इंडोनेशिया, ये बांडा सागर, ऑस्ट्रेलिया के पास ही है अराकुआ सागर, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यही महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है। तस्मान सागर है नीचे, कोरल, सुलेमान सागर है, पपुआ न्यू गिनी है, ठीक। फिर आते हम लोग आगे ऊपर जाए तो यही चीन के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया एक पूर्वी चीन सागर है, ये फिलीपींस है, यहाँ फिलीपींस ये है चीन सागर, ठीक है। याद रखिए, यहाँ ये जापान हो गया, और ये जापान सागर, पीत सागर, पीला सागर भी बोलते हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ठीक है। फिर ये मंगोलिया लग गया, ये ऊपर रूस है, बरकुत सागर है, बेरिंग पूर्वी साइबेरियाई सागर। फिर रूस, याद रखना, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे, ठीक। यहाँ जो कस्ताना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया। फिर यहाँ जाए तो जॉर्जिया के बाद संयुक्त अरब अमीरात, ये फारस की खाड़ी है, ओमान है, यमन है, अदन की खाड़ी, लाल सागर है, ठीक है। यहाँ भूमध्य सागर हो गया, तुर्की, इजराइल, सब लेबनान, सीरिया, ठीक। यहाँ देखें तो यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, आयरलैंड, लंदन, उत्तरी सागर है, ठीक है, बाल्टिक सागर है, पुर्तगाल, स्पेन। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आए तो मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, सेनेगल, गिनी बिसाउ, गिनी, माली, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, मिस, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, यहाँ ये मेडागास्कर है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये प्रमुख देश है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, चाड, नाइजर। फिर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ठीक। और नीचे आए तो यहाँ अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ठीक, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। फिर एक कैरिबियन सागर है यहाँ, ठीक है, ये ऑक्सिन सागर है यहाँ। फिर उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको, कनाडा, ठीक, कनाडा, ये ग्रीनलैंड है, ये हाँ आइसलैंड है, ठीक है। ये लिब्राडोर है, मैक्सिको की खाड़ी देखी ली, हडसन की खाड़ी है,
ये उत्तरी प्रशांत महासागर है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक, ये हमारी विषुवत रेखा जा रही है, ठीक है पूरी। चलिए अब देखते हैं कौन सा देश क्या सब देख लिया, ठीक। विश्व संपूर्ण पृथ्वी के धरातलीय एवं गैर धरातलीय स्वरूप को संयुक्त रूप से विश्व कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के धरातल स्वरूप को 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका, ठीक है, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 29% भूभाग पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का गैर धरातलीय स्वरूप 5 महासागरों में विभक्त है। पहला है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव में याद रखिए, और पांचवा है अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी ध्रुव पर है। महासागरों एवं सागरों का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर है। लगभग पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी, ठीक है याद रखिए। देखिए वेटिकन सिटी यहाँ है इटली के पास, यूरोप महाद्वीप में इटली के पास, रोम छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, ये है वेटिकन सिटी, देख रहा छोटा सा, ये सबसे कम क्षेत्रफल में और जनसंख्या में छोटा है वेटिकन संग्रहालय है यही, ठीक है। चलिए बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े 10 देशों के बारे में, ठीक, आपको टॉप 5 याद रखना है, ठीक है, या भारत तक याद रख लेना, ठीक है। पहला है क्षेत्रफल के मामले में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले रूस, रूसी परिसंघ है, इसका है कितना क्षेत्रफल? 1,70,75,000 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे पे कनाडा, इसका है 99,76,140 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है चीन, चीन का कितना है? 93,26,410 वर्ग किलोमीटर। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 91,66,600 वर्ग किलोमीटर। फिर ब्राजील है, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, फिर कजाकिस्तान है 9वें, 10वें पर है अल्जीरिया। याद रखिए पहले पर रूसी, फिर दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर है ब्राजील, 6वें पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर अपना भारत है, ठीक है याद रख। सबसे छोटे 10 देशों की बात करें विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि में तो याद रखिए वर्ग किलोमीटर में, तो पहला देश वेटिकन सिटी हम लोग देख ही चुके हैं, 0,44 किलोमीटर है इसकी वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। फिर दूसरे नंबर पर है मोनाको, फिर नोरू, फिर तोवालू, सैन मेरिनो, फिर लीचेनस्टीन, फिर मार्शल आइलैंड, फिर सेंट किट्स एवं नेविस, फिर सेशल्स, फिर मालदीव, ठीक है। बात करते हैं विश्व के 10 सर्वाधिक जनघनत्व वाले देशों की बात करें तो पहले पर मोनाको, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? 16,620 वर्ग किलोमीटर, 16,620 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर सिंगापुर दूसरे पर, 7,049 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर जिब्राल्टर है तीसरे नंबर पर, फिर माल्टा, फिर मालदीव, फिर बहरीन, फिर
बांग्लादेश, बांग्लादेश 7वीं नंबर पर, ठीक है याद रखना। फिर ताइवान, फिर मॉरिशस, फिर बारबाडोस, तो याद रखना टॉप 3, मोनाको, सिंगापुर, जिब्राल्टर। फिर बात करते हैं विश्व के न्यूनतम जनघनत्व वाले देशों के बारे में। पहले पर मंगोलिया है सबसे कम, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा है नामीबिया, इसमें भी 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मारिटानिया, फिर 5वें पर सुरीनाम, 6वें पर है बोत्सवाना, 7वें नंबर पर है आइसलैंड, 8वें पर कनाडा। ठीक है, कनाडा के बाद है लीबिया, फिर गुआना। ठीक है, अब यही देख लेते हैं हम लोग थोड़ा मैप भी इसमें जो दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया के बारे में। ठीक है, ये हमारा एशिया है, ठीक है पूरा, ठीक है। यही उत्तरी प्रशांत महासागर है, ठीक है, यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर है। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यही नीचे न्यूजीलैंड है, ये हिंद महासागर है पूरा, ठीक। फिर हिंद महासागर के बाद यही अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। फिर यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक। यही नीचे पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ये अंटार्कटिका देख ही लिए थे महासागर, ठीक। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चीन, चीन पहले पर है। कितने इसकी जनसंख्या, 131 करोड़, मतलब 1 अरब 31 करोड़ 58 लाख, ठीक है। फिर दूसरे पर भारत है, 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख 69 हजार 573। संयुक्त राज्य अमेरिका की, इसकी है 2 29 करोड़ 82 लाख, ठीक। फिर इंडोनेशिया है, इसकी है 22 करोड़ 28 लाख। ब्राजील है 5वें पर, 18 करोड़ 64 लाख। फिर 6वें पर पाकिस्तान, 7वें नंबर पर रूस परिसंघ, फिर 8वें पर बांग्लादेश, 9वें पर नाइजीरिया, 10वें पर है जापान। याद रखिए, अगर अपने उत्तर प्रदेश को अलग करके एक नया देश बनाया जाए तो अपना उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर होगा इंडोनेशिया के बाद, ठीक। टॉप 3 याद रखिए, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, 4वें नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें पर ब्राजील। सबसे छोटे देशों की बात करें जनसंख्या के मामले में, तो वेटिकन सिटी, इसकी है 921 जनसंख्या। तो बालू दूसरे पर 11,636, नोरू 13,048, फिर पलायनो, फिर सैन मरीनो, फिर मोनाको, फिर लिचेस्टिन, फिर सेंट किट्स एवं नेविस, फिर मार्शल द्वीप समूह, 10 है एंटीगुआ एंड बारमूडा। फिर बात करते हैं हम लोग विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप देखते हैं क्षेत्रफल की वर्ग किलोमीटर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला है ग्रीनलैंड, इसका कितना, 22 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे पर न्यूगिनी, 8 लाख 8 हजार वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरे पर बोर्नियो, फिर चौथे पर मेडागास्कर, फिर बेफिन, 6वें पर सुमात्रा, फिर 7वें पर हुंसू, 8वें पर ग्रेट ब्रिटेन, फिर 10वें पर विक्टोरिया, फिर 10वें नंबर पर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों के बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो पहले पर है सहारा, कितना है इसका,
90,65,000 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे पर गोभी, इसका है 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पर रब अल खली, चौथे नंबर पर ग्रेट विक्टोरिया, पांचवें नंबर पर सोनोरन, छठवें नंबर पर कालाहारी, सातवें नंबर पर है काराकुम, आठवें नंबर पर टकला मकान तकला मकान, नौवें नंबर पर नामिम, दसवें नंबर पर थार। फिर बात करते हैं हम लोग विश्व की 10 सबसे बड़ी झीलों के बारे में। क्षेत्रफल देखेंगे इनका, देश देखेंगे और झील। तो पहली हमारी कैस्पियन सागर, एक कजाकिस्तान रूस में है, जिसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरी है सुपियर झील, ये यूएसए कनाडा में है, 83,270 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तीसरी विक्टोरिया है, ये युगांडा केन्या तंजानिया में है, 69,484 है इसका क्षेत्रफल। फिर ह्यूरन झील है यूएसए कनाडा में, पांचवें नंबर पर मिशिगन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, छठवें नंबर पर है टंगानिका बुरुंडी तंजानिया में, सातवें पर ग्रेट बियर कनाडा में है, आठवें नंबर पर बैकाल रूस में है, नौवें नंबर पर ग्रेट स्लेव कनाडा में है, दसवें नंबर पर इरी यूएसए कनाडा में। तो याद रखिए पहले पर क्या है कैस्पियन सागर, दूसरे पर सोफिया, तीसरे पर विक्टोरिया, चौथे पर ह्यूरन, पांचवें पर मिशिगन, छठवें पर टंगानिका, सातवें नंबर पर ग्रेट बियर, आठवें नंबर पर बैकाल, नौवें नंबर पर ग्रेट स्लेव, फिर दसवें पर ईरी। विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों की बात करें तो 10 सबसे ऊपर है माउंट एवरेस्ट, इसकी है ऊंचाई 8,848 मीटर। दूसरे नंबर पर है केटू गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 किलोमीटर, सॉरी 11 मीटर, 8,611 मीटर। तीसरे पर कंचनजंगा है 8,598 मीटर। फिर चौथे पर मकालू, पांचवें नंबर पर चो, छठवें पर धौलागिरी, सातवें पर मनसालू, आठवें पर नंगा पर्वत, नौवें पर अन्नापूर्णा, दसवें पर है गासेर बम। तो याद रखना है आपको, अगर पूछता है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत शिखर चोटी तो आपको माउंट एवरेस्ट बताना है। अगर भारत भारत की पूछे, अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो केटू है गॉडविन ऑस्टिन, और या अगर पूछता है भारत की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी तो याद रखना कंचनजंगा, ठीक है, क्योंकि ये पीओके वाले हिस्से में है, ठीक है, केटू। फिर बात करते हैं हम लोग विश्व के 10 सबसे गहरी गर्तों के बारे में। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में कितनी है, 11,034 मीटर। फिर दूसरी टोंगा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में, 10,882 मीटर। फिर बात करते हैं हम लोग, फिर तीसरी है कोरल कम चटका गर्त प्रशांत महासागर में, तीसरी है फिलिप चौथी ना फिलीपियन ग्रह, ये भी प्रशांत महासागर में, पांचवी कर्मा डे, ये भी प्रशांत महासागर में ही है, फिर जापान ग्रह, ये भी प्रशांत महासागर में, प्यूर प्यूरो प्यूर टोर क्यूको ग्रह, ये अटलांटिक महासागर में, टोरिस ग्रह, ये प्रशांत महासागर में, दक्षिण सैंड बीच अटलांटिक महासागर में, न्यू वेटेन ग्रह, ये प्रशांत महासागर में। ठीक, विश्व के 10 सबसे बड़े जलप्रपातों की बात करें तो एंजेल वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर है, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। दूसरा तुगेला दक्षिण अफ्रीका में तुगेला नदी पर है, 948 मीटर इसकी। फिर ऊटी कोड नॉर्वे में जोस्टे डल ग्लेशियर 826 मीटर, मोंगे नॉर्वे में मोंगे नदी पर है 780 मीटर, मोतारोजी जिम्बाब्वे में ये मोतारोजी नदी पर है 762, यूसेमाइट यूएसए में यूसेमाइट नदी पर, एस्फलैंड नॉर्वे में एस्फलैंड नदी पर, मार्डालस होसेन नॉर्वे में मार्सुला नदी पर। फिर नौवे नंबर पर कोकेनान वेनेजुएला में कील मेडाल नदी पर है 525 इसका। फिर बात कर लेते हैं हम लोग
विश्व के 10 सबसे बड़े महासागरों के बारे में। तो ये टोक्यो है, इसका कितना है, इसका क्षेत्रफल 3,42,00,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, महानगरों, ठीक है। तो कितनी है जनसंख्या इसकी टोक्यो की, महानगर है जो 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, टोक्यो, टोक्यो की है 34,20,00,000। तीन करोड़ 42 लाख टोक्यो की जनसंख्या है, 3,42,00,000। दूसरे पर मैक्सिको सिटी कितनी है जनसंख्या, 2,28,00,000। तीसरे पर सेउल है 2,23,00,000। चौथे नंबर पर न्यूयॉर्क 2,19,00,000। फिर है साओ पालो 2,02,00,000। छठवें नंबर पर मुंबई 1,98,50,000, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली की 1,97,00,000। फिर शंघाई, इसकी 1,81,50,000। फिर लॉस एंजल्स 1,80,00,000। ओसाका 1,68,00,000, ठीक है। फिर ऊपर एक मैप देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए तो एशिया से शुरू करते हैं, एशिया की तरफ से। ये यहाँ विश्व का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप है, मैरियाना गल्फ, याद रखिए प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है, इसी पर विवाद चल रहा है, ठीक है, याद रखिए। फिर ये विश्व का सबसे कम गहरा सागर पीला सागर चीन के पास है, ठीक है। फिर ये है रूस में विश्व का सबसे ठंडा स्थान बार्को यांस्क, -69 सेंटीग्रेड। फिर ये विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है रूस में, ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, 8,848। ये भारत में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, मेघालय भारत में, ठीक है, याद रखिए। फिर ये विश्व की विश्व का सबसे निम्नतम भूमि मृत सागर 411 मीटर, इजराइल जॉर्डन। विश्व का सबसे छोटा सागर मृत सागर है, ठीक है, याद रखना। फिर ये है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक, याद रखिए। यही ये है विश्व का सबसे अधिक औसत तापमान वाला स्थान डालोस इथोपिया में, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में, ठीक है, ये बह रही। और फिर बात करते हैं ऊपर, ये यहाँ है अफ्रीका में, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अल अजीजिया 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया में है, ठीक है, याद रखना। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका में, ये विश्व का सबसे शुष्क स्थल अरीका आटाकामा मरुस्थल चिली में है। फिर ऊपर ये है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यह यही दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल
जलप्रपात वेनेजुएला में है। फिर उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी एरिजोना यूएसए में है। ठीक है, फिर ये है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपियर झील, ये उत्तरी अमेरिका में है, याद रखना है। यही है उत्तरी अमेरिका के पास ही सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ठंडी की खाड़ी में आता है कनाडा में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा मैप, देख लिया। अब बात करते हैं आगे, हम लोग आगे देखते हैं। विश्व के 10 सबसे बड़े महानगर देख लिए जनसंख्या में, अब नदी भी ये देख लेते हैं। ठीक है, विश्व की 10 सबसे लंबी नदियां, तो नील नदी अफ्रीका, इसकी लंबाई कितनी है 6,695 किलोमीटर। फिर दूसरे पर अमेजन, ये दक्षिणी अमेरिका में 6,616 किलोमीटर। फिर यांग टोसी क्वांग, ये चीन में है 6,699 किलोमीटर। फिर मिसिसिपी मिसोरी यूएसए में, पांचवें नंबर पर ओ इरेटिस रूसी परिसंघ में। फिर छठे पर होंग हो चीन में है। फिर सातवें पर कांगो मध्य अफ्रीका में। ठीक, आगे देखते हैं, आठवें नंबर पर मेकांग नदी है दक्षिण पूर्व एशिया में है। नौवें पर लीना नदी है रूसी परिसंघ में है। 10वें पर है मैकेंजी, ये कनाडा में। अब बात कर लेते हैं नए देशों की खोज। ठीक है, तो पहला उत्तरमासा अंतरिप की खोज, इस अंतरिप की खोज एक समुद्री यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू अनेक कठिनाइयां सहन करने के बाद अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जिसे उसने तूफानों का अंतरिप नाम दिया। बाद में पुर्तगाल के शासक ने इसका नाम उत्तरमासा अंतरिप रखा। फिर अमेरिका पश्चिमी द्वीप समूह की खोज, अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह की खोज, स्पेनिश राजा फर्नांडो की सहायता पाकर साहसी नाविक कोलंबस 1452 में 3 समुद्री जहाजों को लेकर भारत की खोज के लिए निकला, परंतु 33 दिन की समुद्री यात्रा के पश्चात वास्तव में उचित मार्ग से भटक गया था। वह एक नई भूमि पर पहुंचा। पहले वह समझा कि यह भारत की भूमि है, परंतु वास्तव में यह नई दुनिया न्यू वर्ल्ड थी। बाद में इटली का एक नाविक अमेरेगो भी यहीं पहुंचा, उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, फिर है न्यू फाउंडलैंड तथा लिब्राडोर की खोज, यूरोप महाद्वीप के न्यू फाउंड लैंड की खोज इंग्लैंड के नाविक जॉन कैबेट की देन है। 1497 ईस्वी में जॉन कैबेट इंग्लैंड के राजा हेनरी सेवन की सहायता से पश्चिमी समुद्री की ओर निकला। साहसी नाविक जॉन कैबेट उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार कर कनाडा के समुद्र तट पर पहुंचा। उसे न्यू फाउंड लैंड की खोज की। उसके पुत्र सेबास्टियन कैबेट ने लिब्राडोर की खोज की थी। फिर भारत भारत के समुद्री मार्ग की खोज, यूरोप और महाद्वीप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल नाविक वास्कोडी गामा ने की थी। वास्कोडी गामा पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इस अभियान पर निकला था। यह नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तरमासा अंतरिक्ष पहुंचा। फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीवार और वहां से पूर्व की ओर बढ़ा। यहां से वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, फिर है ब्राजील, 1501 में पुर्तगाल नाविक कैब्रेल ने एक नए देश की ब्राजील की खोज की थी। फिर मेक्सिको तथा पेरू की खोज, 1519 में स्पेनिश नाविक कोर्टिस ने मेक्सिको की तथा 1531 में फिजारो ने पेरू की खोज की थी। फिर अफ्रीका महाद्वीप की खोज,
इस महाद्वीप की खोज का श्रेय मार्टन स्टैनली तथा डेविड लिविंगस्टन को प्राप्त है। इन्होंने अफ्रीका को खोजने के उपरांत अनेक लेख भी लिखे, जिनको पढ़कर यूरोप वासियों के मन में अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाने के प्रति स्पर्धात्मक भावना उत्पन्न हुई। पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा पुर्तगाल नाविक मैगलेन तथा उसके साथियों ने 1519 ईस्वी में समुद्र द्वारा पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा करके यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। उसकी परिक्रमा सुगमता से की जा सकती है। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ध्रुव सागर, ये पूरा एशिया है, यही अपना भारत हो गया। वासुगुड दीगामा कालीकट पहुंचाता है, यहाँ है कालीकट। ठीक है, ये हिंद महासागर, इस मैगलन है 1521 तक इसने पृथ्वी के पूरी एक परिक्रमा की थी। यही ये फिलीपींस समूह है, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एल केना का अभियान मैगलन की मृत्यु के बाद हुआ। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, डियाज 1488, एल किनो 1522 में, वास्को डी गामा 1487 से यहाँ से चला। ठीक, फिर स्पेन है, ये यूरोप है, ये पुर्तगाल कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। अटलांटिक महासागर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर, याद रखिए विषुवत रेखा जा रही है, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ये मैगलन है। ठीक है, तो याद रखिए ये था हमारा पृथ्वी का एक सामान्य परिचय। अब आगे बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है।